धरती हिंदुस्तान भारत माता की जय। जो आई की जोनिया एक मिनट बैठो ने वे क्या हुआ चलो भारत माता की जय। प्रेम से कट गया जयो जयो जोगराज मांगे तो ना अरे लिदो लिदो बढ़िया आईडियो आप लोग सब लोग आप लोग रेगुलर माता जी आए थे अरे यार यो लिदो मारो ही। दोस्तों नमस्कार। कई तारीख है आज? ओके दोस्तों नमस्कार। 11 फरवरी 2021 उदयपुर शहर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क पहुँचे। कारण कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के ज़माने के हैं और हमारे उदयपुर शहर के स्वर्गीय सुंदर सिंह जी भंडारी के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने काम कर रखा है जंक्शन का। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज 11 फरवरी को पुण्यतिथि है। आज के ही दिन यानी कि 11 फरवरी के दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय का स्वर्गवास हो गया, या यूं कहिए कि उनकी हत्या कर दी गई। कारण कि वह एक ऐसा भारत चाहते थे जिसको कई लोगों को पसंद नहीं था, लेकिन वो भारत अब बना है। कारण कि जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी और उसी परिकल्पना में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी काम कर रहे हैं। क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय चाहते थे कि कश्मीर में भारत का झंडा लगातार फहराता रहे, तो यानी कि कश्मीर को यूं समझिए कि आज़ाद करवा दिया नरेंद्र मोदी ने। वहाँ के पत्थरबाज गायब हो गए। अभी 2021 चल रहा है, परंतु भारत का तिरंगा झंडा पूरे कश्मीर में बन बनाट चल रहा है। तो आइए मैं आपको कुछ तस्वीरें बताता हूँ। ४९४७ देश आजाद तो हो गया, पर अब कौन सी नई राह पर चलता भारत? अब भारत को अपना भाग्य खुद लिखना था। सरकार की सोच और नीतियां दोनों पश्चिमी विचारधाराओं से प्रभावित थी। ऐसे में भारत मां के एक सच्चे सपूत ने आवाज उठाई। भारत जिन समस्याओं का सामना कर रहा है उसका मूल कारण इसकी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा है। ये युवा थे आप, जो भारत को फिर से जगत गुरु के स्थान पर विराजमान करना चाहते थे, जो भारतीय सिद्धांतों के आधार पर भारत का वैभव पुनः विश्व में स्थापित करना चाहते थे। आपके सिद्धांतों को आज भी ये देश शत शत नमन करता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, हमारे महान क्रांतिकारी चिंतक। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बसे एक छोटे से गांव नगला चंद्र प्रभान का एक बच्चा, जिसने 7 साल की उम्र में ही अपने माता पिता की छत्रछाया गवा दी थी, फिर भी स्नातक तक की शिक्षा पूरी की और उसके बाद देश सेवा का कठिन पथ चुना। आप हमेशा कहते थे कि अगर भारत से माता शब्द हटा दिया तो भारत महज जमीन का एक टुकड़ा भर रह जाएगा। अपने कठिन जीवन के अनुभवों के कारण आप समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति की पीड़ाओं से भलीभांति परिचित थे, जिसके परिणाम स्वरूप इस देश की राजनीति को एक नया चिंतन मिला, एकात्म मानववाद, अंत्योदय। मजहब, धर्म, समूह, संप्रदाय से ऊपर की सोच, मानववाद। पंडित जी, आपने अपने विचारों से एक पूरी पीढ़ी को सींचा है, राजनीति की नई परिभाषा अंकित की और अपने चिंतन और मनन से अर्थशास्त्र, कृषि,
विदेश नीति, धर्म, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद जैसे कई मुद्दों पर नए भारत का पथ अंकित किया। जानते हैं आपके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या कहते थे? वे कहते थे कि अगर मेरे पास दो दीनदयाल हों तो मैं इस देश का राजनीतिक नक्शा बदल सकता हूँ। आपकी इस महानता और सादगी पर पूरा देश प्रेरणा लेता है। और हाँ, भाजपा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी सरकार भी। आखिरी छोर के इंसान के कल्याण, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पॉलिटिकल फिलोसॉफी का केंद्रवर्ती विचार था। आखिरी व्यक्ति के विचार में वो कहते थे, हर नौजवान को शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए, हर नौजवान के हाथ में हुनर होना चाहिए, हर नौजवान को अपने सपने साकार करने के लिए अवसर होना चाहिए। पंडित दीनदयाल जी के उन सपनों को पूरा करने के लिए, देश के 100 मिलियन युवाओं के आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हमने अनेक इनिशिएटिव लिए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को भव्य श्रद्धांजलि देने के लिए भारत सरकार और भाजपा ने आपकी जन्म शताब्दी के वर्ष को मनाया पंडित दीनदयाल गरीब कल्याण वर्ष के रूप में, जिसकी शुरुआत हुई 25 सितंबर 2016 को कालीकट राष्ट्रीय परिषद में। और प्रधानमंत्री जी के उस भाषण को बूथ स्तर पर समूह में देखने सुनने का आयोजन किया गया। लाखों कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों तथा अंत्योदय आधारित सरकारी नीतियों से अवगत कराया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने एक वर्ष तक चलने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों की घोषणा की। हम सब कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी को हम जहां जहां पर शासन में बैठे हैं, हम सब साथ मिलकर दीनदयाल जी के अंत्योदय के विचार को साकार करने के लिए दीनदयाल जन्म शताब्दी वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाकर देश के करोड़ों पिछड़ों, दलितों, आदिवासी और वंचितों को समाज में अग्रिम पंक्ति में लाने के लिए इस साल का उपयोग करने वाले हैं। इस योजना के तहत देश भर में विस्तारक तैयार किए गए और उनको प्रशिक्षित किया गया। इस दौरान 15 दिन के अल्पकालिक विस्तारकों के 1,198 प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए गए। वह इसके तहत प्रशिक्षण पाने वाले कुल विस्तारकों की संख्या 3,97,451 रही, जिन्होंने देश भर के 9,69,414 बूथों पर पार्टी की विचारधारा और संकल्प को आम लोगों तक पहुंचाया। वहीं 6 महीने और 1 वर्ष की अवधि वाले विस्तारकों के 44 वर्ग आयोजित किए गए, जिनके अंतर्गत 4,610 विस्तारक चयनित किए गए। पूरे देश में इन पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं ने बूथ समितियों को सक्रिय एवं मजबूत करने का काम किया। इस प्रयास के अंतर्गत हर कार्यकर्ता ने 10 नए सदस्यों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ने का लक्ष्य रखा। पूरे देश में सबका साथ सबका विकास सम्मेलनों का आयोजन हुआ और दीनदयाल जी के विचारों को फैलाया गया। आप ही के कदमों पर चलकर ही भारतीय जनता पार्टी आज देश को विश्व स्तर पर नई पहचान दिलाने में कार्यमग्न है। आज पंडित जी आप जहां कहीं भी होंगे, आपके लिए ये प्रसन्नता का विषय होगा कि आज ये देश आपके अंत्योदय के विचारों को साकार करते कदम उठा रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज गरीब का बैंक में खाता खुल रहा है और उसे आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। उसे मामूली दर पर बीमा की सुरक्षा मिल रही है। गरीब नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाया जा रहा है। अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए लोन मिल रहा है। किसान की फसल को सुरक्षा का बल मिल रहा है। लोगों को स्वच्छता का ज्ञान कराया जा रहा है व उन्हें शौचालय निर्माण के लिए सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। गरीब को कम से कम खर्च पर इलाज की सुविधा मिल रही है और सस्ते दाम पर दवाइयां उपलब्ध हो रही हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन के जरिए धुएं से मुक्ति मिल रही है। सस्ते दामों पर मिल रहे LED बल्ब्स गरीब के घर में उजाला फैला रहे हैं। हर सिर पर पक्की छत मिले उसकी दिन रात तैयारियां हो रही हैं। भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण रखने के दृढ़ संकल्प को नया बल मिल रहा है। पंडित जी, आपने जिस भव्य भारत का सपना देखा था, हम उसके निर्माण की ओर चल पड़े हैं।
देश बस संकल्प को सिद्धि में बदलने के लिए आतुर है, कर्तृत्व एवं परिश्रम करने को तैयार है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का संदेश था, चरैवेति चरैवेति चरैवेति, न थको न रुको न झुको, चलते ही रहो चलते ही रहो। आइए करें संकल्प गरीबी से मुक्त भारत का, जहां गरीब खुद गरीबी से लड़ने को सक्षम हो। आतंकवाद से मुक्त भारत का, जहां सरकार कड़े फैसले लेने को समर्थ हो। गंदगी से मुक्त भारत का, जहां कोई खुले में शौच न जाता हो। जातिवाद और संप्रदायवाद मुक्त भारत का, जहां मतदाता जात पात नहीं काम देखकर सरकार बनाता हो। और संकल्प करें भ्रष्टाचार से मुक्त भारत का, जहां पारदर्शी सिस्टम और डिजिटल अर्थतंत्र हो। जो दीनदयाल जी ने बनाई थी वही नीतियों के आधार पर देश में 13 राज्य सरकारें और केंद्र में नरेंद्र भाई के अगुवाई में केंद्र की सरकार चलकर गरीब कल्याण के रास्ते पर, अंत्योदय के रास्ते पर देश का भला करने का मित्रों प्रयास कर रहे हैं। 2022 तक इन संकल्पों को सिद्धि में परिवर्तित करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों का न्यू इंडिया बनाते हैं, भारत को फिर से जगत गुरु बनाते हैं, मां भारती के अमर वैभव को पुनः स्थापित करते हैं। आइए हम मिलकर प्रतिज्ञा करें कि हम अंत्योदय के पथ पर संकल्प से सिद्धि तक चलेंगे। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।